फ्रेंड्स, मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो वो दादर मनीष मार्केट का है। आप लोग वो वीडियो देखिए, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद भी आएगा। जो दादर मनीष मार्केट है, ये कपड़ों का मार्केट है जो मैं हमारे शॉप है, उस शॉप के लिए हम लोग परचेसिंग के लिए गए थे, तो उसका मैंने छोटा सा एक वीडियो बनाया हुआ है। आप लोगों देखिए छोटा सा वीडियो, और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आप लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग जितना ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँगी आप लोगों के लिए। ओके फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, मैं आपको बता दूं, मैं थाने रेलवे स्टेशन पे हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं, और हम जा रहे हैं दादर के मनीष मार्केट। ये जो दादर मनीष मार्केट है, ये कपड़ों का होलसेल मार्केट है जिसे हम अपनी शॉप की परचेसिंग के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। ये मैं टिकट निकाल रही हूँ, बाय ट्रेन हम जा रहे हैं वहाँ पर मनीष मार्केट जो दादर में है। दादर के स्टेशन से ओनली 2 to 5 minutes की वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और जैसे आप देख लीजिए ये दादर का मनीष मार्केट काफ़ी अच्छा मार्केट है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको टोटल लेडीज़ वेयर, किड्स वेयर, जीन्स वेयर काफ़ी अच्छे रेंज यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे आपको बता दी क्वालिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे लो रेंज से हाई रेंज तक के आपको काफ़ी अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। जैसे कि मैं बता दूं कि अगर होलसेल ओनली यहाँ पे मिलता है, रिटेल अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, और जिसे जो लोग सोचते हैं कि मुझे बिज़नेस ओपन करना है उन लोगों के लिए बेस्ट है। जैसे मैं छोटा सा वीडियो बनाई हूँ तो इस वीडियो में आपको देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे किस टाइप का वैरायटी मिलता है, थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको मिल ही जाएगा। और ये जो मार्केट है ये 3 फ्लोर का है, बट ये मैंने ग्राउंड फ्लोर का ही कैप्चर कर पाई हूँ वीडियोस, तो इसमें आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये कितना बड़ा मार्केट है और कैसा मार्केट है। तो आप ये देख लीजिए फुल वीडियो। We'll be right back.
हेलो, आप लोगों को देख के यहाँ तक आइडिया मिल ही गया होगा कि हाँ यहाँ पे किस टाइप की वैरायटी मिलती है। और जैसे कि मैं आपको बता दूँ, हमने काफ़ी अच्छा परचेसिंग यहाँ से कर लिया था। बहुत सारे शॉप हैं, जैसे हमने कुर्तीज़ लेडीज़ वेयर की शॉपिंग हमने की है, जैसे कुर्तीज़ की हैं और टॉप्स की हैं, जीन्स की है एंड दुपट्टाज़ की है। दुपट्टाज़ का भी काफ़ी अच्छा शॉप है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा रेंज मिल जाएगा दुपट्टा का और यहाँ और स्कार्फ का भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। तो फर्स्ट फ्लोर पर है, तो फर्स्ट फ्लोर मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई, बट अगर किसी को दुपट्टा और स्कार्फ का रेंज लेना है तो फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं काफ़ी आराम से। और हमारी काफ़ी अच्छी शॉपिंग हो चुकी थी शॉप के लिए, और जाते वक्त का वीडियो मैं बना नहीं पाई बिकॉज़ जाते वक्त काफ़ी लेट हो चुका था और हम बाय ट्रेन नहीं गए, हम बाय कैब चले गए। और मैं आपको इसके बाद ब्यूटी शॉप का भी वीडियो बनाया है, आप वो भी देख लीजिए, होलसेल मार्केट। ओके, हाय फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये जो आप शॉप्स देख रहे हैं ये सब रिटेल शॉप है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी मिल जाती है, कॉस्मेटिक कटलरी आइटम, और मैं पूरा कैप्चर नहीं कर पाई। यहाँ पे बैग का मार्केट, बहुत सारा मार्केट जो आप चाहेंगे यहाँ पे आपको चीज़ अवेलेबल यहाँ पे मिल जाएंगी दादर में। और जैसे कि मैं बता दूँ, मैं मल्ली क्लोथ्स के मार्केट गई थी और कॉस्मेटिक ब्यूटी शॉप पर गई थी, तो वहाँ का ही वीडियो बना पाई हूँ। और दादर में बहुत सारे होलसेल शॉप हैं, तो जैसे जैसे मैं शॉप में जाऊंगी वैसे वैसे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूंगी। जैसे जैसे मेरे शॉप की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं जाऊंगी स्टॉक लेने, तो उस हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूंगी। आई होप आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाती रहूँगी। Okay friends, bye, have a nice day.